मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा इसलिए आ रहा है कि भाई क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। और ये मूवी जल्दी क्यों नहीं आ सकती, 26 जुलाई को क्यों आ रही है? वैसे जिन लोगों ने भी वुल्वरीन ओरिजिन्स देखी होगी बहुत साल पहले, ऑलरेडी डेडपूल एंड वुल्वरीन की लाइव एक्शन फाइट आ चुकी है जो माही बकवास थी। तो चलो गाइस फटाफट से ये टीजर देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। और गाइज इसमें मैं आपको सभी को सरप्राइज देने वाला हूँ। पहले तो मैं इंग्लिश ट्रेलर वाले पर रिएक्शन दूंगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि डेडपूल की हिंदी में डबिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, वैसे इंग्लिश मूवीज में बिल्कुल हिंदी में नहीं देखता क्योंकि यार वो मज़ा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन डेडपूल की जो हिंदी डब है ना भाई, रैप्चिक है। अबे इसके बाल कैसे आ गए? इसके बाल तो है नहीं ना। It's been a challenging few years, for sure. Wig pehni hai. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Nice. Make a wish, buddy. Kaun hai, babe? Wade Wilson? Who's asking? Oh! TVA? Abhe TVA kahan se aa gaye Deadpool mein? Oh my God, ये लोकी यूनिवर्स पागल कर देगा क्या? इसको क्यों पकड़ने आ गए? प्रून तो नहीं करने आ गए क्या? देखते हैं आगे। भाई सच में मार्वल मल्टीवर्स इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. भाई ये तो डिज्नी हाउस के ले रहा है भाई। वाह। Miss Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. Oh, bhai, that was end game footage. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Marvel Jesus. Sach mein, bhai, after end game, it was very difficult for Marvel to give that kind of quality and content वाली movie because सब तो floppy हो रही थी। हाँ Guardians of the Galaxy 3 was a decent movie, मेरे को वो अच्छी लगी थी। बाकी She-Hulk, Miss Marvel सब तो floppy हो रही है ना भाई, back to back flops। And by the way, ये मूवी आर रेटेड होने वाली है तो सच में मजा आ जाएगा क्योंकि वुल्वरीन जब फाड़ेगा लोगों को, आए हाय। Dude, that was Doctor Doom. Wait. Oh my God. एक सेकेंड, ये सच में डॉक्टर डूम ही है? क्योंकि डॉक्टर डूम हाथ में गन लेके क्यों खड़ा हुआ? उसकी तो पावर बहुत खतरनाक है। जिसने फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर मूवी जब आई थी तब उस वे में थोड़ा डॉक्टर डूम डिफरेंट दिखाया था। आई नो दैट वाज नॉट कॉमिक एक्यूरेट क्योंकि मार्वल वाले तो कॉमिक एक्यूरेट ही बनाते, बट चलो देखेंगे अब बाद में आगे ट्रेलर में पता चलेगा। My God. Wullu bhai. Yeah. You're just standing there, you ape. Give me a hand up. Yeah. No, I'm actually okay. Thank you very much. So basically I think वो उसका head ही chop off कर देगा क्योंकि maybe शायद ये during the fight होगा और वो बार बार Wolverine मारने की कोशिश कर रहा होगा और वो साला मर ही नहीं रहा होगा Deadpool because he cannot die because Deadpool ने शादी कर रखी है Death Queen से, अगर जिसने comic पढ़ा होगा, ठीक है, तो he cannot die। तो Wolverine ने सोचा होगा इसकी गर्दन ही उखाड़ देता, maybe वो गर्दन ही उखाड़ रहा होगा,
बट दिखाया नहीं, रिवील नहीं किया यार, ये गलत बात। सो गाइस अब हिंदी वाले ट्रेलर का रिएक्शन करते हैं, जिनको नहीं पता देखना क्या खतरनाक डबिंग होगी, क्योंकि संकेत महात्रे है यहाँ के जो डबिंग आर्टिस्ट है वो उसमें बहुत बढ़िया डब करते हैं भाई डेडपूल का। तो अब देखते हैं भाई ये थर्ड पार्ट में क्या किया है और हिंदी डब कितनी बढ़िया से किया है, लेट्स सी। ओके ठीक है, पिछले कुछ साल काफी मुश्किल भरे रहे, मगर मैं खुश हूं क्योंकि तुम सब मेरे साथ हो। और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ मांग ही लो। वेड विल्सन टीवी है, तू कौन है? रुक। डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ। मैंने बोला था ना भाई, इन लोग की डेडपूल की जो डबिंग है भाई मस्त है। पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ। डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा भाई, क्या डायलॉग बाजी है यार। मिस्टर विल्सन, आपने बेहोशी की हालत में अपनी पैंट पीली कर दी थी। मेरी पैंट मेरी मर्जी, तू है कौन? और मैं यहाँ कैसे आया? मेरे साथ चलो। वेड, तुम बड़े ही स्पेशल हो। तुम्हें मौका मिल रहा है हीरोस का हीरो बनने का। yeah! समझ रहा हूँ तेरे दिमाग में क्या गोबर पक रहा है। मार्वल की फिल्मों के प्रोफेसर एक्स भी दिखाया है यार, ये प्रॉपर मल्टीवर्स खतरनाक होने वाला है। अच्छे दिन आ गए हैं। मार्वल के अच्छे दिन आ गए, ये तो बात है भाई। अब तो लगता है अब उन्हें है मार्वल का भगवान। मदद करो। फक। और बॉल का मजा। टाइम प्लीज। बाप रे। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। वुल्वरीन बोलता है, ये ले भाई तेरा सब कुछ खुजला दूंगा। ये सही है भाई। मिट गई खुजली। गाइस आई टोल्ड यू ना भाई, हिंदी की डबिंग में बहुत ज्यादा मजा आता है। जब फुल्ली फ्लैश मूवी आएगी ना भाई, मैं हिंदी में भी देखूंगा, पहले तो ऑब्वियसली इंग्लिश में देखूंगा। पहले तो यार इस टीजर को 5 स्टार में से 5 स्टार देता हूँ। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आई थी ना वो थर्ड पार्ट, एंड उसके बाद स्पाइडरमैन की आई थी भाई, उतना एक्साइटमेंट कर रहे हैं। और मेरे को एक चीज अच्छी लगी, ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, क्योंकि मार्वल ना 3-4 मूवीज से साला इतना कुछ ट्रेलर में रिवील कर देते हैं कि पहले ही पता चल जाता। तो हॉल में जाने से पहले ही हमको पता है कि हाँ भाई इस मूवी में तो ये बंदा है, सिर्फ डिफरेंट अलग स्टोरी डिफरेंट पता चलती है हमें। लेकिन इसमें अभी तक रिवील नहीं किया, मैं तो बोलता हूँ भाई साला रिवील करो ही मत, अभी भी रिवील मत करो भाई, मूवी में देखते तो ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी भाई अभी तो लोकी अकेले ने पूरी बैग पे अपना मार्वल उठा के रखा था, अब ये दोनों आ गए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अपना ओपिनियन प्लीज मुझे बता देना गाइस, मैं तो वैसे वेट नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज गाइस, मैं हूँ आपका 1 स्टार की अमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल का सब्सक्राइब कर देना।